शिगर में 10 बिलियन सुरामी ट्री शिजरकारी मुहिम का आगाज हो गया। सूबाई वजीर तालीम गितिल बलिस्तान राजा जमखा व दीगर सरकार अफसरान ने हशुपी के एक जदीद आर्चर बाग में पौधा लगाकर शिजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर तकरीब मुनक़िद हुई, जिससे खिताब करते हुए सूबाई वजीर तालीम गिलगित बल्तिस्तान राजा आज़म खां और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि 3 बिलियन सुलामी ट्री एक इनकलाबी प्रोजेक्ट है। इससे जरिए इनकलाब और आवाम में खुशहाली के एक नए दौर शुरू होगा। शिगर एक ज़रिया इलाका है, ज़रात के शोबे में तरक्की के लिए बेहतरीन मौके मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम अगर ज़रात पर तवज्जो दे तो हम माशी लिहाज से खुद कफील हो जाएंगे, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में ज़रात के शोबे में बेहतरी के काफ़ी मौके मौजूद है। थोड़ी सी तवज्जो देकर हम माशी तौर पर खुशहाल बन सकता है। मुकर्रीन का कहना था, शिगर में महकमा ज़रात की कारकर्दगी काबिल तारीफ और लायक तहसीन है। महकमा ज़रात गिलगित बल्तिस्तान में 12,80,000 फलदार पौधे लगाएंगे, जिनमें से 6,70,000 बल्तिस्तान डिवीजन में और 1,85,000 शिगर के किसानों में पौधे तकसीम किए जाएंगे, जबकि फलदार पौधों के बागान लगाने वाले किसानों की हौसला अफजाई भी की जाएगी, जिससे आने वाली दिनों में बेहतर समरात सामने आएंगे और किसान खुशहाल होंगे। इस मौके पर किसानों में बेहतर फलदार पौधे भी तकसीम किए। खासकर शिगर के हवाले से, कि शिगर एक ज़रिए इलाका है, यहाँ हर किस्म के जो फसल दरख्त जो भी लगाएं वो अच्छे से अच्छा हो सकता है। उसके लिए मैं अपने महकमे ज़रात का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक सुनामी प्रोग्राम के तहत हमारे वज़ीर आज़म साहब के प्रोग्राम को जहन में रख के प्लांटेशन का इफ्तिताह यहाँ करवाया है। इसी तरह दूसरे जगहों पर भी मेरी गुजारिश मैंने किया था कि मॉडल हर यूनियन में एक एक बना दिया जाए, तो इसमें एक इनकलाबी एक काम होगा और लोग इसकी तरफ ज़्यादा राग हैं।